हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं आपका होस्ट अंशुल। हम आज बात करेंगे गेमिंग कंसोल्स की। यूं तो गेमिंग कंसोल्स बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे निंटेंडो, सोनी एंड माइक्रोसॉफ्ट। जो मेन कंपनियां हैं वो हैं सोनी और माइक्रोसॉफ्ट। जो निंटेंडो है वो वीक कंपनी है, जो कि इन दोनों के कंपैरिजन में आती ही नहीं है। तो हम आज बात करने वाले हैं सोनी और माइक्रोसॉफ्ट की। तो इन दोनों कंपनियों ने अपने लेटेस्ट कंसोल लॉन्च किए हैं मार्केट में, जो कि हैं PS4 Pro और Xbox One X। तो मैं आज इस वीडियो में इन दोनों को कंपेयर करूंगा। लोग अक्सर पूछते हैं मेरे से कि कौन सा कंसोल ख़रीदना सही रहेगा, तो ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाया है। तो इस वीडियो में मैं इन कंसोल्स के फीचर्स, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के बारे में बताऊँगा आप लोगों को। चलिए तो पहले बात करते हैं हम दोनों के CPU की, जो कि AMD कंपनी के हैं। दोनों ही 64 बिट CPU हैं। बट CPU की क्लॉक स्पीड की बात करें तो Xbox One X का क्लॉक स्पीड बहुत ज़्यादा है PS4 Pro से। मतलब Xbox One X CPU के मामले में PS4 Pro को काफ़ी पीछे छोड़ता है। अब हम बात करते हैं ग्राफिक कार्ड मतलब GPU की। तो दोनों में ही AMD के ग्राफिक कार्ड्स यूज़ किए गए हैं, बट यहाँ ग्राफिक कार्ड में भी Xbox One X ज़्यादा भारी पड़ता हुआ PS4 Pro से। PS4 Pro जो कि 4.2 टेराफ्लॉप्स की परफॉर्मेंस दे सकता है ओनली, बट Xbox One X 6 टेराफ्लॉप्स की परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो दोनों की प्राइस में लगभग $100 का अंतर है। Xbox One X $499 का है, लेकिन PS4 Pro $399, $100 का अंतर है बस। तो इन द एंड कंक्लूजन ये है कि Xbox One X काफ़ी बेहतर है PS4 Pro से, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि $100 फालतू ले रहे हैं। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, हार्डवेयर वाइज Xbox One X बहुत ही बेहतर कंसोल है PS4 Pro से। तो जो लोग अभी लेना चाहते हैं तो वो Xbox One X का वेट कर लें, वो भी लॉन्च होने ही वाला है। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा। बाय बाय, टाटा।